लेसन हम करेंगे बॉलीवुड के टॉप 10 गानों का इंट्रो गिटार पे। ये काफी अच्छा लेसन है जो बिगनर्स के लिए, क्योंकि इसमें मैंने जो गाने चूज किए काफी इजी गाने हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफी अच्छा रहेगा। एंड अगर इजी भी नहीं है तो मैं इसको कैपुला के आपको सिंपल करके बता दूंगा, आप इसको आराम से प्ले कर पाओगे। तो इस लेसन में आपको 10 गानों के इंट्रो मिल जाएंगे जो आप आराम से एक ही बार में प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफी अच्छा रहेगा डेवलप करने के लिए आपका इंट्रो का पिकिंग एंड ऑल। तो अपना भी सजेशन आप जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको कौन सा इंट्रो करना है जो ये वीडियो में नहीं है, मैं उसके लिए अलग लेसन बनाऊंगा और कुछ इंट्रो का कॉम्बिनेशन लेके आपके लिए अलग लेसन लेके आऊंगा। आप जरूर कमेंट कीजिए आपको कौन सा इंट्रो और सीखना है। तो आज का लेसन अभी स्टार्ट करेंगे, और अगर ये लेसन आपको हेल्प कर रहा है जरूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है मैं आपको इतना हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहला गाना भी सीखते हैं। आपने स्टार्टिंग में सुन लिया है मैंने क्या क्या प्ले किया है सब। जो पहला गाना सनम है उसका इंट्रो करते हैं, काफी इजी है। पहले आप एक काम कीजिए, थर्ड फ्रेट पे कैपो ला लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ए माइनर जैसा पकड़ लीजिए, ए माइनर, एंड इंडस्ट्री फिंगर को उठा लीजिए, ये आपका बन जाता है ए सस्पेंडेड 2, ठीक है। अब प्ले करेंगे हम, बस सिंपल पिकिंग करेंगे स्ट्रिंग्स। आप टैप्स देख सकते हो, 2 4 2 4, इसको 2 बार प्ले करेंगे, देन 3 4, ठीक है, एंड होगा। लिटिल फिंगर फ्री, उसको ले आएंगे सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे, देन इंडेक्स फिंगर को सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे। काफी सिंपल, इसको आप रिपीट करते रहिए थ्रू आउट द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जैसे मैंने सेप बताया था उसको पकड़िए, काफी इजी होगा आपको बजाने के। लिटिल फिंगर यहाँ पे रखिए, देन इंडेक्स फिंगर। पहला इंट्रो खत्म, काफी इजी है। अभी चलिए दूसरा इंट्रो देखते हैं। तो अभी जो दूसरा इंट्रो करेंगे वो भी काफी हिट गाना है, फिर मोहब्बत उसका इंट्रो है, एंड उसमें भी थर्ड फ्रेट पे कैपो लगेगा। सेम आपको ए माइनर ही पकड़ना है, पर दिस टाइम आपको ए माइनर 7 पकड़ना है, मतलब आप जो रिंग फिंगर है उसको उठा लीजिए, बस इतना एक कॉर्ड आपको पकड़ना है, ठीक है। ए माइनर सेम में रिंग फिंगर उठा लीजिए, दैट इज आपका थर्ड स्ट्रिंग ओपन रहता है, आपका बजेगा लाइक दिस। कुछ टैप्स देख सकते हो, पहले हम लोग क्या किए, 5 4, देन 2 को इंडेक्स फिंगर रख के, देन 2 को ओपन लाइक दिस, देन थर्ड स्ट्रिंग ओपन, लिटिल फिंगर फ्री, उसको ले आइए 4th स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे, ठीक है। आप यहाँ पे रिंग फिंगर यूज मत कीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम सी पकड़ के सेम रिपीट करना है सेम पैटर्न को, तो आपको रिंग फिंगर को फ्री रखना है, इसलिए हम यहाँ पे लिटिल फिंगर यूज कर रहे हैं। ये सब ट्रिक्स है, आप इसको ध्यान रखिए। तो पहला पार्ट क्या होगा, ए माइनर 7th पे 5 4 2 2 3, देन लिटिल फिंगर से 4th स्ट्रिंग, सेम आपको सेम पैटर्न सब कुछ बजाना है। अभी सी मेजर पकड़ लेंगे, सेम बजाएंगे, बस आपका एक नोट चेंज हो रहा है, बेस नोट डेट इज ए टू सी चेंज हो रहा है, बाकी पूरा सेम ही है। तो इसको आप रिपीट कीजिए, काफी इजी है। अभी चलिए थर्ड इंट्रो देखते हैं। तो अभी जो इंट्रो करेंगे वो है सुन रहा है ना, तो आशिकी 2 मूवी का काफी अच्छा गाना है। एंड अगर आपको इन सब गानों का कंप्लीट लेसन चाहिए, मैंने उसका लेसन बनाया हुआ है, मैं सारे लिंक दे दूंगा, आप अगर चेक कर लेना, ठीक है। तो ये फिर से वही थर्ड फ्रेट पे कैपो लगेगा आपका, एंड स्टार्ट होगा फिर से आपका ए माइनर कॉर्ड पे, जैसे ए माइनर 7 जैसे हमने अभी लास्ट किया था फिर मोहब्बत में, सेम कॉर्ड है ए माइनर 7, एंड बजाएंगे 5 4 2 3, हो गया। देन सी मेजर पकड़ लेंगे सेम 5 4 2 3, अभी क्या करेंगे, लिटिल फिंगर फ्री है उसको रख लेंगे सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे, प्ले करेंगे 4 3 2 3। अब टैप्स देख सकते हो, तो तीनों पार्ट्स आपके एक साथ ऐसे लगेंगे, ए माइनर 7th सी, देन लिटिल फिंगर रख के एक डी का वेरिएशन है, ठीक है, देन आपका एंड होगा लाइक दिस। तो इसको क्या करें हम लोग, 4th स्ट्रिंग पे हैमर ऑन कर रहे हैं सेकंड फ्रेट पे, देन पुल ऑफ कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए आपका आराम से हो जाएगा। देन आपका रिंग फिंगर फ्री है, उसको ले आइए 5th स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे, उसका पुल ऑफ कीजिए मिडिल फिंगर रख के सेकंड फ्रेट पे 5th स्ट्रिंग पे लाइक दिस। उसका वापस होकर फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, इसको उठा लीजिए फिर से,
तो ये काफी इजी है, प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो मेन ध्यान रखना है वो ट्रांजिशन का, जो फर्स्ट पार्ट एंड होने के बाद वापस स्टार्ट होता है उसके बीच में जो आता है पार्ट, ये वाला, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, बाकी पूरा इजी है। तो चलिए भी नेक्स्ट इंट्रो की ओर चलते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट इंट्रो करेंगे वो भी काफी फेमस गाना है, तुम ही हो, आशिकी 2 मूवी के अरिजीत सिंह जी का गाना है, एंड इसका ओरिजिनल है एफ माइनर पे। पर अब इसको थोड़ा सा इजी कर, इजी मतलब एक ही चीज़ है, आप उसको बस आगे पीछे मूव करना, एक ही चीज़ है। इसको हम करेंगे अभी ई माइनर पे, जो स्टार्ट होगा आपका ऐसा। ये आपका कैसा बज रहा है? आपका रिंग फिंगर रखेंगे अभी 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, मिडिल फिंगर 2nd फ्रेट, सॉरी 2nd स्ट्रिंग 8th फ्रेट, इंडेक्स फिंगर 1st स्ट्रिंग 7th फ्रेट, ठीक है? इसको डायगनली पकड़ लेना ऐसा, एंड प्ले करेंगे अभी 3 2 1 2। काफी इजी है, 3 2 1 2। देन मिडिल फिंगर को ऐसा बार कर लेंगे, बार में थोड़ा नीचे आके राउंड करके नीचे ले आएंगे, देन अगेन प्ले करेंगे 1 2। लिटिल फिंगर फ्री है उसको ले आएंगे यहाँ पे 10th फ्रेट पे 2nd स्ट्रिंग, देन इंडेक्स फिंगर से 7th फ्रेट, तो फ्लू में आपका ऐसा जाएगा। काफी इजी, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, जो मिडिल फिंगर का काम है लिटिल फिंगर का जरूर यूज कीजिए। तो ये कंप्लीट हो गया, अभी चलिए नेक्स्ट इंट्रो की ओर चलते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट इंट्रो करेंगे ये भी काफी पॉपुलर गाना है, ये है यारो दोस्ती के सर का, एंड इसके लिए भी हम 3rd फ्रेट पर कैपोला लेंगे। इसका स्टार्ट होगा एक डी सस्पेंडेड 2 कॉर्ड से, मतलब डी मेजर ऐसा पकड़ लो, मिडिल फिंगर को उठा लो, दैट इज 1st स्ट्रिंग ओपन रहेगा। ये स्टार्ट होगा आपका लाइक दिस, काफी इजी है। इसको प्ले किया हमने, कंसेक्यूटिव स्ट्रिंग्स बजाए पहले 4 3 2 1 करके, फिर से मिडिल फिंगर रख के 2nd फ्रेट पे पुल ऑफ करेंगे इसको लाइक दिस, पुल ऑफ करके वापस 2 3, एक फ्लो में ऐसा लगेगा। मिडिल फिंगर फ्री उसको ले लिया अभी 6th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट पे, दैट इज ए जी नोट यहाँ पे, एंड प्ले कीजिए, दैट इज 6 2 2 3 2 2 3 2। काफी इजी, एक फ्लो में दोनों पार्ट्स आपके ऐसे लगेंगे। इसको 3 बार प्ले कीजिए लास्ट टाइम, इसको जी पे आने की जरूरत नहीं है, आपको लास्ट जो एंड करेंगे ऐसा करेंगे। तो एंड कैसा हो रहा है, हमने इसको आधा प्ले किया जी पे नहीं आ रहे, ऐसा इसको एंड कर रहे, वापस बजाय 4 3 2 1 पुल अप 2 3, देन मिडिल फिंगर रख के यहाँ पर रख देंगे, लिटिल फिंगर थोड़ा स्ट्रेच करके ले आएंगे यहाँ पे 5th फ्रेट पे, लिटिल फिंगर उठाएंगे मिडिल फिंगर, देन मिडिल फिंगर को हैमर ऑन पुल अप करेंगे 2nd फ्रेट पे, देन 2nd स्ट्रिंग लाइक दिस, ठीक है? अब प्रैक्टिस कीजिए, ये एंड एक फ्लो में आपका ऐसा लगेगा 2nd पार्ट से लास्ट पार्ट की ओर। ये काफी अच्छा गाना है, इसका कंप्लीट लेसन मैंने बनाया हुआ, जरूर देख लीजिए उसको, एंड इंट्रो काफी इंटरेस्टिंग है, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट इंट्रो की ओर। तो अभी जो इंट्रो करेंगे ये भी काफी हिट गाना है, कौन तुझे, MS धोनी मूवी का, एंड इसके लिए हम लोग 5th फ्रेट पर कैपो ला लेंगे एंड ए माइनर पकड़ लेंगे, यानी कुछ इस तरह से जाएगा। काफी इजी, हमने ए माइनर इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि आपको चेंज में काफी इजी होगा, क्योंकि आप अभी हैबिट्यूटेड हो ए माइनर पकड़ने के लिए, तो ए माइनर पकड़ लो एंड बजाएंगे अभी 1 3 2 1 3 2 दो बार, काफी सिंपल है, बस ए माइनर पकड़ के 1 3 2 दो बार, 1 3 2 1 3 2, देन सेम क्या करेंगे, इंडेक्स को उठा लेंगे, लिटिल फिंगर रख लेंगे अभी, ये ए सस्पेंडेड 4 बन गया, दैट इज 3rd स्ट्रिंग सॉरी 3rd फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, एंड सेम प्ले करेंगे अभी 2 3, नेक्स्ट लास्ट 2 बजाते हुए आपको इसको ओपन कर लेना है लाइक दिस, काफी इजी है। तो पहले दोनों पार्ट्स आपके ऐसे लगेंगे। तो इसका 3rd पार्ट भी पूरा सेम है, अब सेम लिटिल फिंगर को ऐसे रखिए, ऊपर के नोट्स उठा लीजिए, ओपन कर लीजिए एंड बजाइए,
काफी इजी है, एंड होगा फिर से ए माइनर पकड़ लीजिए, 1 3 देन 1 फिर से बजाएंगे थर्ड फ्रेट पे, 1 3 1 1 3 1, बस इतना ही है, काफी अच्छा इंट्रो, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये भी खत्म हुआ अभी इसका इंट्रो, अभी चलिए नेक्स्ट इंट्रो की ओर चलते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट इंट्रो करेंगे वो भी एक ऑल टाइम सुपर हिट सॉन्ग है मितवा, सोनू निगम जी का, एंड इसका इंट्रो स्टार्ट होगा लाइक दिस। ये भी काफी इजी है, आपको बस क्या करना है, रिंग फिंगर उसको रखिए 4th string 11th फ्रेट पे, इंडेक्स फिंगर रखिए 3rd string 9th फ्रेट पे, एंड आपको बस एक ही पैटर्न को रिपीट करते रहना, दैट इज 4 3 1 2, ठीक है 4 3 1 2, इसको बस थर्ड डी इंट्रो रिपीट कीजिए, बस आपको चेंज करना है फिंगर्स। तो इसको एक बार प्ले कीजिए 4 3 1 2, अभी क्या कीजिए, इंडेक्स को एक फ्रेट मूव कीजिए पीछे 8 पे, एंड मिडिल फिंगर रख लीजिए अभी 3rd string 9th पे, एंड सेम पिकिंग पैटर्न आपको करना है 4 3 1 2। तो दोनों पार्ट्स कैसे हो गए यहाँ पे, रिंग फिंगर से स्टार्ट किए 4 3 1 2 4 3 1 2, अभी क्या करेंगे इसी शेप को दो फ्रेट्स पीछे ले आएंगे, दैट इज 1 2, यहाँ पर मिडिल फिंगर 7th पे, इंडेक्स फिंगर 6th पे, एंड सेम 4 3 1 2, खत्म हुआ, वापस इसको दो फ्रेट्स ऊपर ले आएंगे, वापस प्ले कीजिए 4 3 1 2, इसका फोर्थ पार्ट है। तो चारों पार्ट्स आपके एक साथ ऐसे लगेंगे 2 3 4, रिपीट। तो ये काफी अच्छा इंट्रो, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, काफी इजी भी है एंड काफी अच्छा भी लगा इसको प्ले करने के लिए। तो ये हो गया इसका इंट्रो, अभी चलिए नेक्स्ट इंट्रो की ओर चलते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट करेंगे वो है ऐ दिल है मुश्किल का टाइटल ट्रैक, काफी अच्छा गाना है, एंड इसका इंट्रो कुछ इस तरह से जाएगा। काफी इजी, अभी आप क्या कीजिए 4th फ्रेट पे कैपो ला लीजिए, ठीक है, एंड इसको स्टार्ट करेंगे, मिडिल फिंगर को रखेंगे 3rd string 4th फ्रेट पे, एंड इंडेक्स को रखेंगे 1st string 2nd पे, थोड़ा स्ट्रेच करके ले आइए क्योंकि आगे जाके आपको फिंगर्स थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका फिंगर पोजीशनिंग, ये स्टार्ट होगा लाइक दिस। अब टैब्स देख सकते हो, ये स्टार्ट हुआ, पोजीशन पे रख लीजिए फिंगर्स को 3 2 1 2, देन अगेन ओपन 1 2, ठीक है लाइक दिस 3 2 1 2, ओपन 1 2, देन मिडिल को ले आइए यहाँ पे 7th फ्रेट पे, ठीक है 7 2nd string ओपन, देन बैक लाके 6 ओपन, ठीक है एक फ्लो में पार्ट यहां तक ऐसा लगेगा। अब टैप्स देख सकते हो, देन 6 पे दो बार प्ले करेंगे 6 2 6, देन 2nd string ओपन, देन अगेन 7 2, दैट इज 3rd string पे 7, 2nd string ओपन, देन अगेन 3rd string पे 6, 2nd string ओपन, लाइक दिस। वापस मिडिल को पीछे लेके 1st पोजीशन पे ले आएंगे 4th फ्रेट पे, एंड अगेन स्टार्टिंग से प्ले करेंगे, ठीक है। तो एक फ्लो में देख लेते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसा लगता है। इसको स्लोली प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे इसका स्पीड अपने आप का बिल्ड हो जाएगा। तो अभी इसका नेक्स्ट इंट्रो देख लेते हैं कौन सा करेंगे हम। तो अभी जो नेक्स्ट इंट्रो करेंगे, जो कि सेकंड लास्ट इंट्रो है, 9th इंट्रो है, वो है फिर भी तुमको चाहूंगा, हाफ गर्लफ्रेंड मूवी का, काफी अच्छा गाना है, काफी इंटरेस्टिंग इंट्रो है इसका। इसका ओरिजिनल स्केल है A माइनर, मैं अभी इसको A शार्प माइनर है, मैं इसको A माइनर पे कर रहा हूँ, इसलिए आप 5th फ्रेट पे कैपो लगा लीजिए, आप चाहो तो 6th पे भी लगा सकते हो, एंड सेम चीज प्ले करना, एंड ये प्ले हुआ लाइक दिस। बस इतना ही चलता रहता है, ये क्या हो रहा है, हम लोग अभी एक ई माइनर कॉर्ड पकड़ रहे हैं, पर अभी हमको बस 4th string से प्ले करना है, तो इसलिए हम लोग बस 4th string 2nd फ्रेट को ही प्रेस कर रहे हैं मिडिल फिंगर से, एंड प्ले करेंगे भी हम लोग 4th string से डाउन करेंगे, ठीक है 4th string से डाउन किए, 1st string ओपन, 2nd string 3rd फ्रेट लिटिल फिंगर है उसको बजा लीजिए 3rd string 3rd फ्रेट को, इंडेक्स फिंगर 1st फ्रेट 2nd string ओपन 2nd string, देन मिडिल फिंगर फ्री, रिंग फिंगर फ्री उसको 3rd string 2nd फ्रेट, लाइक एक फ्लो में आपका ऐसा जाएगा। देन एंड करेंगे एक डाउन स्ट्रम, देन आपका गाना स्टार्ट होता है, काफी अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है, इसको जरूर ट्राई कीजिए।
चाहो तो आप इसको 1 फीट ऊपर लेके सेम बजा सकते हो ए शार्प पे। हाँ तो मैंने इसको पूरा सिंपल किया हुआ है बिगनर्स के लिए। आप मेरा इसका दूसरा लेसन भी देख लेना जहाँ पे मैंने बिना कैपो का आपको समझाया कैसे बजा सकते हो, वो भी आप देख सकते हो अगर आपको बिना कैपो का बजाना है। तो चलिए भी इस लेसन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, लास्ट इंट्रो देख लेते हैं। तो अभी हम लोग इस लेसन का लास्ट इंट्रो करेंगे वो है भीगी भीगी सी है रातें भीगी भीगी, गैंगस्टर मूवी का काफ़ी अच्छा गाना है। अभी इसको बजाने के लिए आप 2nd फ्रेट पर कैपो ला लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। एंड एक डी माइनर कॉर्ड पकड़ना है आपको। एंड अभी थोड़ा चेंज करेंगे वो है कि आपका जो रिंग फिंगर है उसको उठा के रिंग लिटिल फिंगर से उसको पकड़ना वो नोट को डी माइनर का, क्योंकि आपको रिंग फिंगर फ्री चाहिए उसका नेक्स्ट पार्ट प्ले करने के लिए जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ऐसा डी माइनर पकड़ लीजिए एंड आपका पहला पार्ट जाएगा लाइक दिस। तो ये क्या हो रहा है आपका, जैसे हमने 11 दोस्ती में बजाया था सेम ऑलमोस्ट सेम ही है उसका पिकिंग। कंसिडर स्ट्रिंग्स बजा रहे 4 3 2 देन 1 पे पुल अप कर रहे इंडेक्स फिंगर देन 2nd स्ट्रिंग प्ले कर रहे लाइक दिस। आपका रिंग फ्री था उसको लेइए 5th स्ट्रिंग 3rd पे एंड बजाइए 5 3 2। टैब्स देख सकते हो तो एक फ्लो में पार्ट आपका ऐसा जाएगा। इंडेक्स फ्री हो गया उसको ले आइए अभी 1st फ्रेट 5th स्ट्रिंग पे बजाइए 5 3 2 3। आप एक फ्लो में बजाना आपको टाइमिंग पता चल जाएगा लाइक दिस। ठीक है, देन आएगा आपका एंड। एंड के लिए वापस आपका रिंग फिंगर ले जैसे हमने इसका लास्ट पार्ट पकड़ा था दैट इज 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे एंड बजाइए 5 3 2, वापस इंडेक्स रख के 5 3 2। ठीक है, तो एक फ्लो में स्टार्टिंग से लेके यहां तक ऐसा लगेगा आपका। तो इतना हो गया, इसको आप 3 बार प्ले कीजिए, शायद गाने में 3 बार वगैरह आप सुन लेना एक बार। ये पार्ट को एंड करने के लिए अभी क्या करेंगे, ये प्ले करेंगे। ये कुछ नहीं, आप इसको बार कर लीजिए 3rd फ्रेट पे सभी स्ट्रिंग्स को 4th स्ट्रिंग से। ठीक है, 3rd फ्रेट पे बार कर लीजिए, इसको प्ले कीजिए एंड लिटिल फिंगर के रिंग फिंगर फ्री उसको रख लीजिए 1st स्ट्रिंग 5th फ्रेट पे। ठीक है, एंड प्ले कीजिए 4 3 2 1। ठीक है लाइक दिस। तो इसका प्रीवियस पार्ट एंड ये पार्ट को मैं एक साथ प्ले करके बताता हूँ कैसा ये एंड हो रहा है। तो वही था इसका कंप्लीट लेसन, आप जरूर ट्राई कीजिए, काफी इजी गाना है। मैंने इसको चूज किया इसलिए ताकि बिगनर्स आराम से प्ले कर पाए, ये एक्चुअली बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट दोनों के लिए है। स्टार्टिंग में थोड़ा इजी था, लास्ट पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पर आप प्रैक्टिस कीजिए आप आराम से इसको प्ले कर पाओगे। एंड कुछ दूसरे गाने का सजेशन आपके पास है तो जरूर दीजिए मुझे, मैं ट्राई करूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए, उसमें वो सारे मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसको जरूर ट्राई कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एंड लाइक भी कीजिए अगर आपको ये हेल्प किया है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।